स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी खास चुनावी पेशकश 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व चेयरमैन और 5 बार संसद सदस्य रहे नंद कुमार साय साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। साय साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2023 की तैयारियों में इस वक्त प्रदेश लगा हुआ है, 2024 में भी देश के चुनाव होने हैं, चुनौतियां इस वक्त सबसे ज्यादा सामने हैं, आप 23 में किस तरह से देख रहे हैं? 23 में मुझे लगता है कि सारी तैयारी जो बैठकों के तहत दिखाई पड़ रही है जी, उसमें संभावना बन रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार इस प्रदेश को जीतना चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए, ऐसा दृश्य मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये जो अंतर है, ये अंतर आखिर कैसे पाटेंगे, कैसे इस अंतर को पूरा कर पाएगी, क्या रणनीति इसको लेकर? देखिए, इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी। पिछली बार दरअसल में जो दल को हम सब लोग बैठे थे, सभी की गलती थी, वो जो स्थिति थी उसको हम जरा समझ नहीं पाए। दरअसल में हम समझते हैं हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी जो कमियां थी जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कारण है। असल में पिछला चुनाव को हम इस रूप में मानते हैं, कांग्रेस जीती नहीं थी, बीजेपी हार गई। आदिवासियों को कितना भला हो पाया, क्योंकि आदिवासियों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर इस राज्य का गठन हुआ था, आप आदिवासी वर्ग से एक बड़े नेता रहे हैं, कितना फायदा मिल पाया? हम उस समाज के लिए जैसा कर पाना चाहिए था वो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसको ठीक करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन 15 साल तो साय साहब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी सत्ता रही जी। और इस दौरान आप भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आपने जिम्मेदारी संभाली। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए काम नहीं हो पाया, तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम लोग सभी हैं उसमें, पार्टी में हम लोग बड़े बड़े जगहों में हैं, हम लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सभी का है जो जो भी पावर में रहे हैं, लेकिन क्या क्या कमियां रही, क्या है, छोटी मोटी बैठकों में हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करना है। आप बड़े लंबे समय से, चूंकि आदिवासी बहुल राज्य है, और ये मांग रखते रहे हैं कि यहाँ पर जो मुखिया है वो भी आदिवासी होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी आदिवासी होना चाहिए। जब आपकी सरकार थी तब भी आप ये बात बड़ी मुखरता से रखते थे, और अभी जब विपक्ष में है तब भी ये बात बड़ी मुखरता से रखते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जिस प्रदेश में जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, उस वर्ग का अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो वहां के जो आम लोग हैं वो सत्ता के बहुत नजदीक अपने आप को पाते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। और ऐसा अगर होगा, सरकार और आबादी दोनों अगर जितना निकट आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान उनको समझ करके उतनी ही अधिक तीव्रता से होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए इस डिमांड को, इस मांग को, इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि होना चाहिए। क्या किसी आदिवासी चेहरे के साथ अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, हमारी जो आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ हम 32% तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन आबादी उससे भी ज्यादा है। मैं ऐसा मानता हूं कि निर्णय तो केंद्र को करना है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है मेन, वो इस बात को समझती है और इसको थोड़ा सोचती है, अलग अलग बैठकों में बात भी करते हैं। निर्णय केंद्र को करना है, लेकिन इस विषय को भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आगे लाना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। किन किन लोगों को आप मानते हैं कि जिनके चेहरे ऐसे हैं जिसमें आदिवासी वर्ग पर विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी इससे बड़े चेहरे हैं, जिनको सामने लाकर आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में रख सकते हैं, किन किन को मानते हैं? ऐसा है, देखिए, बहुत लोग हैं यहाँ, क्योंकि आदिवासी समाज है, यहाँ बड़े बड़े नेता भी हैं। ये तय करने का काम पार्टी का जो केंद्रीय ग्रुप है उसका काम है। एकदम से बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, ये केंद्र जो है तय करके इसको करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुझे जानकारी मिली है कुछ वरिष्ठ लोग आने वाले हैं, पार्टी के भी लोग, उनकी सिटिंग होने वाली है, ये सब बातें जो होने वाली है उसमें भी किसी न किसी तरह से इन सब बातों पर भी चर्चा हो सकती है, इसी मेरी मान्यता है। क्या आप भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए आदिवासी चेहरे की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति दावेदार होता नहीं है, ये पार्टी तय करती है। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल सीटें हैं यहाँ पर, और इन दोनों ही संभाग में 12 सीटें बस्तर की और 14 सीटें सरगुजा की जी। इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई, सिर्फ एक सीट जीती थी दंतेवाड़ा की, वो भी बाद में उपचुनाव में हार गए।
तो क्या ऐसी वजह है कि आदिवासी बहुल इन संभाग में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, आदिवासियों की नाराजगी इतने बड़े स्तर पर हुई, आप क्या मानते हैं? इस पर चिंतन चल रहा है, मनन किया जा रहा है, क्या क्या बातें इसमें हो गई हैं, और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बैठकें भी हो रही हैं, और इस विषय में कोई निष्कर्ष निकलेगा ऐसा मैं समझता हूं। ये कहां तक हम पीछे और नीचे गए हैं उस पर अलग अलग बैठकें चल रही है, अलग अलग जिलों के दायित्व कुछ लोगों को दिए गए हैं, अभी एक कार्यक्रम होने वाला है, उस सब के सम्मिलित निष्कर्ष जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि कहां त्रुटि थी। जी, तो इस बार आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों संभागों के संदर्भ में भी और जहां जहां पर भी आदिवासी बहुल सीटें हैं उसके संदर्भ में भी? हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तीन तीन व्यक्ति एक एक लोकसभा क्षेत्र और जिलों के दायित्व दिए गए हैं, उनका अभी तुरंत बाद ये जो चुनाव है उसमें सभी जाने वाले हैं, वहां नीचे के कार्यकर्ताओं से हमारी चर्चा होने वाली है, क्या मामला था, कैसे था, क्या हुआ, और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाल करके सब लोग बैठ करके कहां कमी थी, क्या बात थी, और उसको कैसे ठीक किया जाना है, इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी। आदिवासियों के नाम पर अलग राज्य बनाया जैसे कि हमने चर्चा की, लेकिन अब राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के कार्यक्रमों के, उनके जो योजनाएं हैं उनके कार्यक्रमों के संदर्भ में, और ओबीसी पर कहीं ना कहीं फोकस नजर आता है, ये जो सामाजिक समीकरण जो है बदलता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहां पर तीन वर्ग हैं जो स्थानीय हैं, एक तो आदिवासी समाज है, एक अनुसूचित जाति वर्ग है, उसके बाद ओबीसी है, ये तीनों छत्तीसगढ़ी समाज है, और ये तीनों ग्रुप जो है वो मिलकर के ही सरकार बनाते हैं। सबसे आगे में है आदिवासी, लेकिन ये तीनों को भी साथ रहना आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं ये जो सारी चर्चाएं चल रही हैं उसमें इन सारे तीनों वर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी दिशा में एक तरफ आगे बढ़ सकती हैं। इसका रिजल्ट जो है, इसकी वास्तविक स्थिति और दृश्य को देखना आगे है, अभी उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आदिवासी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो एक मामला न्यायालय में था जी, और उसमें सरकार की तरफ से जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जनजाति वर्ग के लिए कितनी आबादी है, क्या भूगोल है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, वो नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि कोर्ट ने कुछ तथ्यों के अभाव में जो 32% है उसमें 12% को खत्म कर दिया, केवल 20 शेष रह गया। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में बस्तर से सरगुजा और कोरिया से कवर्धा तक पूरा आंदोलन बहुत चले, भयानक, कहीं चक्का जाम हुआ, धरने पर बैठे, हम भी बैठे थे कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, और सरकार की तरफ से उसको कानूनी रूप दे दिया गया है, राज्यपाल के यहाँ मामला चला गया है। और मैं समझता हूँ ये जो आंदोलन है ये इसने बड़ा भारी रूप लिया था पूरे प्रदेश में, पहली बार एकजुटता आदिवासी समाज में मैंने देखा कि वहां आंदोलन चल रहा है तो कहीं धरना दे रहे हैं तो कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, इस तरह का स्थिति पहली बार मैंने देखा, और मैं समझता हूं इसका ही ये प्रभाव है कि इसको ठीक किया जा रहा है, 32% को सामने लाया जा रहा है। आदिवासियों के जब भी जिक्र आता है, मध्य प्रदेश का भी मैं सवाल करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ही चीजें चल रही, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो जी, आदिवासियों का जब जिक्र आता है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों एक दावा करती है कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं आदिवासी समाज। आप चूंकि आदिवासी वर्ग से भी आते हैं जी, तो आप क्या मानते हैं इस पर, आम आदिवासी क्या सोचता है? ये देखिए, आम आदिवासी अभी बहुत तटस्थता की स्थिति में है। पार्टियों में हम लोग हैं, पार्टी का भी काम करते हैं, समाज का भी काम करते हैं, उसको भी देखते हैं, लेकिन अभी तक वो क्या सोचते हैं वो एकदम से प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन एक नया स्वरूप दिखा है ये भानु प्रताप के चुनाव में, उसमें सर्व आदिवासी समाज ने एक नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और वो भी काफी अग्रेसिव है ऐसा मानते हैं, मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन ये ऐसा पहला दिख रहा है कि भाई उन्होंने अपना एक कैंडिडेट आदिवासी समाज ने खड़ा किया। तो क्या ये एक ट्रेंड सेटर होगा आगे आने वाले 2023 में भी, क्या इस तरह से कुछ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से कुछ प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं? ये अभी तो ये जो रिजल्ट क्या आता है इस पर निर्भर करेगा। फाइनल क्वेश्चन, 2023 में क्या वो ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, बहुत कुछ निर्णय करेगा ये चुनाव, बाई इलेक्शन, जिसमें अलग अलग दलों को किस रूप में आगे बढ़ना है, कैसा रणनीति अपनानी पड़ेगी, ये एक नया संकेत भी मिलेगा इस चुनाव से, मेरी ऐसी मान्यता है। उसमें संभव है कि जैसे जनजाति समाज एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया है, कहीं वो जीतता है
मान लीजिए बाई दी बहुत मुश्किल है जी, अभी तक नहीं हुआ है जी, लेकिन कहीं अगर हो गया एक संकेत जाएगा कि ये समाज जो है अब इस दिशा में भी बढ़ सकता है, उसको लेकर के दलों में एक चिंतन आगे बढ़ेगा। क्या नेतृत्व की दृष्टि से ऐसा कुछ सामाजिक भाव को भी सामने किया जा सकता है, ये सारी बातें आगे आने वाली है, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 2023 के समय में, आगे कई समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे और उस पर प्रतीक्षा करना ही बेहतर समझ रहे हैं। हमारे साथ नंद कुमार साय जी थे, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही, और अगली बार फिर मुलाकात होगी राजनीति के एक और महत्वपूर्ण किरदार के साथ। नमस्कार।